साइंस थिंग इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ चैप्टर वन प्लेस वैल्यू। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर दिया हुआ है वहां पर है राइट दी फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। तो जहां पर भी आपको न्यूमरल्स दिखे, नंबर्स दिखे या फिर वहां पर फिगर्स लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि वहां पर आपको डिजिट्स लिखनी है, जैसे 1, 0, 5, 6 इस तरीके से। तो यहाँ पर बोला है न्यूमरल्स यानी कि जो हमें नंबर्स दिए हैं उनको हमें लिखना है इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। तो जो ए पार्ट है ए के अंदर लिखा हुआ है 2, 4, 6 तो हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा वंस होता है, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखते हैं और ये हमारा होता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो अब इसी तरीके से हम इनको वर्ड्स में लिख देंगे। तो ये वाले हमारे होते हैं वंस पीरियड और ये मेरा क्या हो गया हंड्रेड। तो इसको आपको कैसे लिखना है, 200 246 तो 200 लिखेंगे और 46, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये हमारे पास में 3 डिजिट का नंबर था, अब यहां पर हमारे पास में 4 डिजिट्स का नंबर है। तो यहां पर ये हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड और फिर आता है थाउजेंड, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड और फिर ये टीएच मतलब थाउजेंड। तो यहां पर क्या होगा, वन के ऊपर थाउजेंड है तो इसका मतलब 1000। जीरो के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट हमारा क्या है, ये वंस पीरियड के अंदर आते हैं, 89 पढ़ा जाएगा इसको एक साथ में ही, ठीक है। तो यहां पर ये वंस, टेंस को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, तो यहां पर ये 89 हो गया है और 1000 हो गया है, ठीक है। राइट हैंड साइड से हम लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख इस तरीके से। और जो हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, 1089, ठीक है। तो इसका जो वर्ड्स हो गया ये हो गया 1089। तो ये हो गए हमारा ए पार्ट के अंदर 246 और बी पार्ट के अंदर 1089। तो ये चीज जो है ये हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड अभी हम आगे इसमें वीडियो में देखेंगे प्लेस वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर वन। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर है राइट इन फिगर्स। तो पहले हमें नंबर्स दे रखे थे उनसे हमने वर्ड्स में लिखा था, अभी हमें वर्ड्स दे रखे हैं इनसे हमें नंबर्स में लिखना है, ठीक है। तो जो ए पार्ट है उसके अंदर है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का लिखना है तो सबसे पहले जब भी वो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करे तो स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर सबसे पहले हम 1 लगा देते हैं। अब एक डिजिट तो मेरी ये हो गई 1, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है टोटल और उसमें से एक डिजिट तो हम 1 लिखते हैं सबसे पहले, बाकी कितनी बची, 3 डिजिट्स। तो उसके लिए बाद में 3 0 लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर ऐसे ही मैं यहीं पर बता देती हूँ कि हमारा जो अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता है, अगर वो यहाँ पर जैसे उसने स्मॉलेस्ट पूछा है तो अगर ऐसे ही वो लार्जेस्ट पूछता है तो आपको सिर्फ उतने ही 9 लगा देने हैं। तो ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो अगर वो स्मॉलेस्ट बोलता है तो 1 लगा के बाकी 0 होते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी 4 डिजिट नंबर देखोगे तो वो इससे बड़ा ही होगा, तो स्मॉलेस्ट सबसे यही है और लार्जेस्ट की अगर बात करें तो 4 डिजिट हमारा 9999। अगर ऐसे ही वो 3 डिजिट पूछ लेता अगर इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला जो है हमारा आंसर है, अगर ऐसे ही वो 3 डिजिट का पूछ लेता तो तब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता, 100। सो 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता। अगर ऐसे ही वो लार्जेस्ट पूछता 3 डिजिट तो हमारा क्या होता, 999, ठीक है। तो कितने भी डिजिट का है अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो आपको इस तरीके से लिखना है और अगर लार्जेस्ट पूछता है तो आपको 999 लगा देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर है, 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब जो बी पार्ट है उसके अंदर है 1111। तो यहां पर एक उसने बोला 1000, 100 और बाकी हमारे पास में 11 है, ठीक है। तो पहले यहां पर हम लिख देते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, क्योंकि उसने 1000 तक ये भी बोला है। तो कितना बोला है, 1000 लिखा है, तो 1000 के नीचे हम 1 लिख देते हैं। अब क्या बोला है, 100,
तो 100 भी कितना है 1 है और बाकी कितना है 11। तो लास्ट में मैंने भी बताया था कि जो वंस टेंस होता है इसको हम एक साथ ही पढ़ते हैं, तो ये वाला मेरा क्या होगा 11। तो यहाँ पर इनके नीचे लिख देते हैं 11, आ गया मेरे पास में नंबर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था 1000, तो 1000 के नीचे मैंने 1 लिखा, ठीक है। 100, तो 100 के नीचे भी 1, तो इसका मतलब क्या है 1111, ठीक है। तो हमारा जो बी पार्ट का आंसर है ये हमारा क्या है 1111, ठीक है, 1111। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो इससे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास में 99 है तो वो 99 मेरा 2 डिजिट का नंबर है और वो मेरा लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर है। तो अगर मैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में प्लस 1 कर देती हूँ यानी कि 1 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा 100। अब 100 मेरा 3 डिजिट का नंबर है और वो मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि अगर हम लार्जेस्ट 2 डिजिट के नंबर में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर आएगा। ऐसी ही चीज इनमें भी आप देख सकते हो, अगर मेरे पास में लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है और उसमें हम प्लस 1 कर देते हैं तो हमारे पास में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर आएगा जो कि मेरा 1000 होगा, ठीक है। अब यही चीज है यहां पर भी, अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट के नंबर में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास में स्मॉलेस्ट आएगा 5 डिजिट का नंबर। तो ये हमारा 3 डिजिट था लार्जेस्ट, प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा स्मॉलेस्ट नंबर लेकिन 4 डिजिट का। अगर आप ऐसे ही 9999 यानी कि सबसे बड़ा नंबर ले लोगे 4 डिजिट का और उसमें 1 ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा लेकिन 5 डिजिट का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको नंबर नेम्स को फिगर्स में लिखना है, ठीक है। तो आपको नंबर नेम दे रखे हैं, आपको इनको नंबर्स में लिखना है, तो बेसिकली आपको डिजिट्स लिखनी है वहां पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए पार्ट के अंदर 9109, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 9000, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप लिख लो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड तक ही है मेरे नंबर्स, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब उसने जो जो बोला है उसको इसके नीचे लिखते जाते हैं। तो 1000 बोला है उसने, 9000 बोला है, तो हम 1000 के नीचे लिखेंगे 9। अब इसके आगे उसने बोला है 100, तो 100 के नीचे लिखेंगे हम 1। उसके बाद में उसने बोला है सिर्फ 9, तो सिर्फ 9 बोला है और यहाँ पर हम लास्ट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं। सपोज अगर यहाँ पे 9 की जगह पे 11 दिया होता तो मैं यहाँ पे लिख देती 1 1, ठीक है, क्योंकि हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिया है सिर्फ 9, तो सिर्फ हम 9 ना लिख के कैसे लिखेंगे 09, ठीक है, 09 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाता है इसका नंबर। अब इसको आप यहाँ पर लिख दो तो जो मेरा नंबर है, जो मेरी फिगर्स हैं, वो क्या है 9109। तो ये कैसे है 9000, 1000 क्यों, क्योंकि आगे उसके 3 जीरो है बेसिकली, ठीक है। तो आगे इसके 3 नंबर्स हैं तो ये 9000 हो गया, 1 के आगे 2 नंबर्स है तो 100 हो गया और लास्ट में क्या है 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी पार्ट के अंदर है 4018। अब इसकी जगह पर अब इसी के अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है, 4000 बोला है उसने तो 1000 के नीचे लिखो 4 और सिर्फ क्या बोला है 18, तो इसका मतलब 100 तो कुछ बोला ही नहीं है, तो मतलब 100 में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका मतलब वहां पे 0 है, तो 0 लिख दो। अब उसने बोला है 18, तो 18 आएगा हमारा यहाँ पर क्योंकि हम इनको साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, तो 18 आ गया, ठीक है। तो मेरा नंबर आ गया 4018, ये है नंबर बी पार्ट का। सी पार्ट के अंदर है 6203। अब इस नंबर को हटाओ, अब यहां पर देखो 6000 दिया है तो 1000 के नीचे लिखो 6, अब क्या दिया है 200 दिया है तो 100 के नीचे लिखो 2। इसके बाद में क्या बोला है उसने, सिर्फ 3 बोला है, 3 जो है वो मेरा सिर्फ सिंगल डिजिट होता है तो हम इसको सिर्फ 3 ना लिख के कैसे लिखेंगे 03, ठीक है। अगर इसके आगे सपोज करो यहाँ पे 3 नहीं होता, मेरे पास में दिया होता 30, तो तब हम कैसे लिखते, तब हम लिखते 30, ठीक है, तब हमारे दोनों नंबर्स इस तरीके से आते हैं। पर मेरे को जब सिंगल डिजिट बोली है, जैसे मेरे को यहाँ पे 9 बोला था तो हम लिखेंगे 09, ठीक है, क्योंकि हम इनको साथ में पढ़ते हैं वंस और टेंस के लिए।
तो यहाँ पर जो मेरा नंबर है ये हो जाएगा 6203, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपको नंबर नेम्स लिखने हैं इन फिगर्स के, ठीक है। अब आपको नंबर दे रखा है, इसको आपको नंबर नेम्स में लिखना है। तो यहाँ पर सेम चीज आप करो, यहाँ पर लिखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, जो आपको नंबर दे रखे हैं इन्हीं के ऊपर मैंने लिख दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है थाउजेंड के नीचे फाइव है, हंड्रेड के नीचे जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है, और टेंस के नीचे भी कुछ नहीं है, सिर्फ वंस के नीचे है फाइव, ठीक है। तो इसको आपको अब वर्डिंग्स में लिखना है, तो इसको लिखना बहुत आसान है। थाउजेंड के नीचे क्या है? फाइव। तो इसका मतलब क्या है? हमें लिखना है फाइव थाउजेंड। तो आप लिखोगे फाइव थाउजेंड, ठीक है। अब देखो हंड्रेड के नीचे जीरो है, तो मतलब वहां पर कुछ नहीं लिखना है। टेंस के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बचा हमारे पास में फाइव, जो कि हमारा वंस पोजिशन पर है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? फाइव थाउजेंड और लास्ट में फाइव। जैसे हमने अभी पिछले में देखा था, तो हमारे पास में क्या था? लास्ट में हमारे पास में सिर्फ नाइन था, तो उसका हम क्या लिखते थे? जीरो नाइन। तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास में सिंपल एक नंबर है जो कि मेरा नाइन है, तो यहाँ पर सिर्फ फाइव दे रखा है, तो इसको हम सीधा फाइव लिख देंगे। अगर यहाँ पर जीरो फाइव ना होके अगर यहाँ पर आपके पास में फाइव जीरो होता, तब हम लिख देते फाइव थाउजेंड फिफ्टी, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ पर फिफ्टी नहीं दे रखा, मेरे को तो जीरो फाइव दे रखा है, तो जीरो फाइव का मतलब क्या है? फाइव। तो इसीलिए इसका आंसर है फाइव थाउजेंड फाइव। अब देखो बी पार्ट के अंदर सिंपली आपको ऐसे ही लिखना है, स्टार्ट करो वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। आप देखो सेवन थाउजेंड, ठीक है, थाउजेंड के नीचे सेवन है, तो इसलिए हम लिखेंगे सेवन थाउजेंड। हंड्रेड के नीचे जीरो है, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद में देखो क्या है? वन नाइन, तो इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं, तो ये क्या है मेरा? नाइनटीन। तो इसका मतलब है सेवन थाउजेंड नाइनटीन, ठीक है। अब देखो सी पार्ट के अंदर, यहां से आप लिखो जीरो के ऊपर वंस, टेंस, फिर हंड्रेड और फिर टू के ऊपर आएगा थाउजेंड। तो इसका मतलब है टू थाउजेंड, थाउजेंड के नीचे मेरा टू आ रहा है, तो इसका मतलब टू थाउजेंड। टू थाउजेंड है, हंड्रेड के नीचे सिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब सिक्स हंड्रेड, ठीक है। आपको ऐसे देखना है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड, तो टू थाउजेंड के बाद आप लिखो सिक्स हंड्रेड। स्पेलिंग्स भी आपको देखनी है, सही होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारा वंस और टेंस है, इन दोनों नंबर्स को हम साथ में लिखते हैं, तो सिक्स जीरो इज सिक्सटी, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखना है सिक्सटी। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर नेम हो जाता है वो है फाइव थाउजेंड फाइव, सेवन थाउजेंड नाइनटीन, टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी। अब क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर आपको जो है प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। तो आपको जो पूरा नंबर दे रखा है उसके अंदर सिर्फ एक डिजिट के नीचे अंडरलाइन की हुई है, आपको उसी की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जो ए पार्ट है उसके अंदर 2678 और 6 के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सबके नीचे ये लिख दो, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यहाँ पर भी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और यहाँ पर भी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। अब सिर्फ उस चीज पे फोकस करो, सिर्फ उस डिजिट पे फोकस करो जिसका उसने प्लेस वैल्यू मांगी है। अब यहाँ पर किसके नीचे अंडरलाइन है? सिक्स के नीचे अंडरलाइन है। अब इसके ऊपर देखो क्या आ रहा है? हंड्रेड आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड, ठीक है। प्लेस वैल्यू तो ऐसे देखेंगे, हमें वंस, टेंस, हंड्रेड ये लिखना पड़ेगा पहले। अब जिस डिजिट की पूछी है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसके ऊपर देखो क्या आ रहा है? हंड्रेड आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू हंड्रेड है। तो जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या है? हंड्रेड। अब देखो यहाँ पर जो बी पार्ट है उसके अंदर है 8043, एट के नीचे अंडरलाइन है और उसके ऊपर लिखा है थाउजेंड, तो इसका मतलब इसका क्या है आंसर? थाउजेंड। एट की हमें बतानी है प्लेस वैल्यू, वो उसकी थाउजेंड है। अब सी पार्ट के अंदर है 3912, अब वन की वो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, वन कहाँ आ रहा है? टेंस के नीचे आ रहा है, तो मतलब इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस।
ठीक है, समझ गए, इस तरीके से करना है। अब यहां पर 8009, 9 की पूछ रहा है वो, क्योंकि 9 के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब इसका आंसर है वंस। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड इस तरीके से लिख लेना है, उसके बाद में जिस नंबर की इसने अंडरलाइन करके पूछा है प्लेस वैल्यू, उसके ऊपर जो चीज आ रही है वही आपकी प्लेस वैल्यू बता देती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है, मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 6, 0, 9 ओनली वंस। तो आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है खुद से, 3, 6, 0, 9 इन 4 डिजिट्स का यूज करके, और सिर्फ एक ही बार आपको एक डिजिट का यूज करना है। ठीक है, एक डिजिट एक बार से ज्यादा यूज नहीं हो सकती। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए, इन दोनों नंबर्स में से आपको अगर कंपेयर करना होगा कि आपके पास में कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, तो सबसे पहले आप देखोगे जो इसका पहला नंबर आ रहा है वो यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है, इसका पहला नंबर यहाँ पर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये भी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो दोनों ही नंबर अगर मेरे 4 डिजिट के हैं यहाँ पर, और ये मेरा थाउजेंड के नीचे 9 आ रहा है, यहाँ पर मेरा थाउजेंड के नीचे 5 आ रहा है, तो जो मेरा पहला नंबर है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर जो पहला नंबर है वो 5 है। ठीक है, तो इन दोनों में से 5 और 9 में से कौन सा बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है 5 से, तो इसका मतलब ये वाला नंबर मेरा बड़ा हो जाता है इस नंबर से। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो अगर आपके पास में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाने के लिए आपके पास में सबसे पहला डिजिट जो होना चाहिए वो छोटा ही होना चाहिए, तभी वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। जैसे आपके पास में यहां पर अगर देखा जाए तो 3, 6, 0, 9 है। ठीक है, आपको ये 4 नंबर दिए हैं, तो अगर आप यहाँ पर सबसे छोटा नंबर इनमें से देखोगे, सो दैट विल बी 0, 3, फिर 6, फिर 9। ठीक है, तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आपको छोटे से बड़े तक अरेंज कर देना है नंबर्स को। तो छोटे से बड़े लिखोगे तो वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप बड़े से लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपका पहले बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसका मतलब वो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0, 3, 6, 9 है, इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा 0 है, 0 पहले आ रहा है, यानी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है मेरा 0, तो यहाँ पर 0 की आगे लगने पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरा डिजिट है, ये जो मेरा नंबर है, ये कितने डिजिट्स का बन जाएगा, 3 डिजिट का। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इन चारों से बनाना है, तो मेरे चारों डिजिट्स यूज में आने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो पहले 0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 3, तो 3 फिर 0 आएगा, और देन 6 देन 9। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो पहले आपका एक छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको उन्हीं नंबर से एक बिगेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले आपका बड़ा वाला नंबर आना चाहिए, तभी वो आपका नंबर बड़ा बनेगा। तो यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इनको अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से जाएगा मेरा ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से लार्जेस्ट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट नंबर के लिए बड़े से छोटे तक लिख देंगे, तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 9, 9 के बाद उससे छोटा कौन सा है, 6, फिर उससे कम है 3, और उससे कम है 0, तो आपका नंबर क्या आएगा, 9, 6, 3, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 9, 6, 0, 3 नहीं, 9, 6, 3, 0 है आंसर। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो आपका 3, 0, 6, 9, ये आपका आंसर है, और जो लार्जेस्ट नंबर है उसका आंसर है 9, 6, 3, 0। तो यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ, आपको 4 डिजिट दे रखी हैं, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए कम से ज्यादा की तरफ इन्हें अरेंज करो, यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, और अगर आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो बड़े से छोटे की तरफ, तो यानी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।